चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के प्रभाव के कारण 13 जून को गुजरात के द्वारका में खराब समुद्र की स्थिति और तेज हवाएं देखी गई, जिसके चलते द्वारका में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। चक्रवात बिपरजॉय के प्रभाव के कारण एहतियाती उपाय करने के लिए एनडीआरएफ की टीम को यहां तैनात किया गया है, जो कि किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जरूरत पड़ने पर टीम के पास गोताखोर और तैराक भी मौजूद हैं। साइक्लोन बिपरजॉय के कारण प्रिकॉशनरी डिप्लॉयमेंट के लिए एनडीआरएफ की एक टीम यहां तैनात है और एक टीम गांधीनगर से यहां के लिए मूव कर चुकी है, तो यहां पर दो टीमें हो जाएंगी एनडीआरएफ की। फिलहाल क्या तैयारी है, क्या कुछ सूचना है? साइक्लोन के देखिए तीन फीचर होते हैं, हाई विंड, स्टॉर्म सर्ज और हैवी रेनफॉल। इनके कारण अलग अलग प्रकार की इमरजेंसी क्रिएट होती है, तो हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए पूर्णतः मुस्तैद हैं। फिलहाल क्या क्या सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है? काफ़ी हाई टाइड भी समुद्र में दिख रही है, किस प्रकार से बचाव कामगिरी अगर जरूरत पड़े तो की जाए? अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास डीप डाइवर हैं, स्विमर हैं, और इसके कारण हाई विंड के कारण कहीं कच्चे मकान हैं, ओवरहेड पावर लाइन है, या कहीं रोड ब्लॉक होते हैं तो उनको क्लियर करने के लिए हम पूर्णतः तैयार हैं, या इससे संबंधित कोई दूसरी इमरजेंसी क्रिएट होती है तो उसके लिए भी हम पूर्णतः तैयार हैं।